हेलो, ऑल इज़ वेल 2.0 में आज हम क्रूर तानाशाह हिटलर के बारे में पढ़ेंगे। तानाशाह एडोल्फ हिटलर की ज़िंदगी से जुड़ी कई दिलचस्प कहानियाँ हैं। किसी में वह हीरो की तरह नज़र आता है तो किसी में विलन, लेकिन सच यह है कि एडोल्फ हिटलर 20वीं सदी का सबसे क्रूर तानाशाह था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1933 में वह समाजवादी जर्मन वर्कर्स पार्टी को सत्ता में लाने के बाद उसने जर्मन सरकार पर आधिपत्य कर लिया था। हिटलर का जन्म ऑस्ट्रेलिया में 20 अप्रैल 1889 को हुआ। 17 वर्ष की उम्र में पिता के निधन के बाद वह वियना चला गया। पैसों की तंगी के कारण वह पोस्ट कार्ड पर चित्र बनाकर काम चला रहा था। यही वो समय था जब हिटलर के मन में साम्यवादियों के प्रति और यहूदियों के प्रति घृणा ने जन्म लिया। 1933 में जब जर्मनी की सत्ता पर जब एडोल्फ हिटलर का काबिज हुआ तो उसने अपने वहाँ एक नस्लवादी साम्राज्य की स्थापना भी की। वह यहूदियों से सख्त नफरत करता था। यहूदियों के प्रति हिटलर की इस नफरत का नतीजा नरसंहार के रूप में सामने आया। होलोकास्ट इतिहास का वह नरसंहार था जिसमें 6 साल के तकरीबन 60 लाख यहूदियों की हत्या कर दी गई। इनमें 15 लाख तो सिर्फ बच्चे थे, लेकिन इन सब क्रूर तानाशाह की ज़िंदगी का एक और पहलू है। बहुत ही कम लोग जानते हैं कि हिटलर को एक लड़की से प्यार भी हुआ था जिससे उसकी शादी भी हुई। ईवा ब्राउन का जन्म साल 1912 में म्यूनिक में हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद उसके माता पिता ने तलाक ले लिया और फिर पुनः विवाह किया। 17 साल की उम्र में ईवा ने म्यूनिक में नाजी फोटोग्राफर हैंड्रिक हॉफमैन के स्टूडियो में नौकरी की, जहां वह कभी कभी कैमरे के सामने मॉडलिंग भी किया करती थी। तानाशाह हिटलर और पत्नी ईवा ब्राउन ने 30 अप्रैल 1945 को आत्महत्या कर ली थी। दोपहर के भोजन के बाद हिटलर और उनकी पत्नी ईवा 3 बजे के आसपास अपने कमरे में चले गए। इसके बाद कर्मचारियों ने गोली चलने की आवाज़ सुनी। हिटलर ने खुद को गोली मार ली और ईवा ने साइनाइड कैप्सूल खाकर अपनी जान दे दी थी। हिटलर ने आत्महत्या करने से पहले कहा था कि मैं मर जाऊं तो मेरे शरीर को जला देना। हिटलर ईसाई था, ईसाई लाश को दफनाते हैं, जलाते नहीं। असल में उसे डर था कि उसकी लाश को कब्र से खोद कर निकाल लिया जाएगा और उसकी लाश पर लोग अपना गुस्सा उतारेंगे।